हाँ ये देखो जी, अपने लिए करनी है थ्रेसर की सर्विस, चलो करते हैं। ऑल सेट, तो अपने लिए भेजा है वाले थ्रेसर की सर्विस करनी है, इसके कटर बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले व्हाट द हेक मैन, सबसे पहले अपने लिए ए नट खोलने पड़ेंगे। ये देखो जी, इसकी कटरों की ये है कंडीशन। भाई ये भी कुछ कटर कहलाते हैं क्या? ये कटर नहीं भाई, क्या ही बताएं। अब अपने लिए इनको बढ़ाना पड़ेगा, कम से कम ये ग्रिल से थोड़ा बहुत पास में तो रहना चाहिए, ये तो बहुत ज़्यादा दूर दूर हैं, तो ये कुछ खास काम नहीं करते होंगे। तो चलो हर एक लाइन में एक एक कटर बढ़ा देते हैं ताकि अच्छी तरीके से साफ सफाई होए। ऑल सेट, कटर बढ़ा लिए हैं पर काफ़ी ज़्यादा मशक्कत हो गई है। चलो अब ट्रैक्टर को लेके चलते हैं थ्रेसिंग पे। ऑल सेट, तो खेत आ गए हैं और अपन ने काम भी स्टार्ट कर दिया है। काम हो गया है कंप्लीट, अब अपन जल्दी से थ्रेसर को बंद कर देते हैं और चलते हैं घर पे। आज अपनी कॉर्न हार्वेस्ट स्टार्ट होनी है। बच गया भाई, फंसते फंसते बच गया, यहाँ पे फंसने वाला था, बच गया। थ्रेसिंग खत्म करके आ चुके हैं और अब अपन थ्रेसर खोल रहे हैं और उसके बाद फंसानी है वो ट्रॉली। ट्रॉली इसलिए फंसानी है क्योंकि अपने खेत में कॉर्न हार्वेस्ट शुरू हो गई है, तो जो कॉर्न के प्लांट रहते हैं उनको खेत से बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसमें सपोर्टर्स लगाने वाले हैं, साइड सपोर्टर्स। इस रास्ते की तो भाई साहब बैंड बज गई है, पीछे में ट्रैक्टर जैसे निकाल गया है, मुझे पता है बहुत बेकार रास्ता हो गया है यार। रास्ता फिर से बनवाना पड़ेगा, कम से कम 6-7 ट्रॉली अपने लिए डंपिंग करवानी पड़ेगी। देखो भाई रार रार की साइज देखो, कितने फुट की होगी, समथिंग लाइक 10-11 फुट की तो जगह रहा हर। हाँ का 7 को तो जो आई है मारो पट्टा, जो कितने फुट को तुम, 5.5 फुट को है। हाँ तो 8 फुट से कम की नहीं है रहा हर। देखो भाई राहर राहर की साइज देखो, अब हम हैं कितने तरह मना कम, 6 फुट ऊपर 4 फुट और ना मन है। तुम कितने 6 फुट के हो, 6 और 3 9, 6 और 2 8 केले चाहे 8-9 फुट की राहर है, मन है कोई दिन की नहीं। इतनी तो हमें पता है कि ऊपर फर है आदमी कहाँ काट फर रो जाता है। वो चल रही कटाई और ये ट्रॉली में भर रहे हैं, खेत से बाहर निकाल रहे हैं और ऐसी कुछ कंडीशन है वंटे की, ज़्यादा अच्छा नहीं है बट हाँ एवरेज है। हाँ देखो एवरेज, और धान भी देख लो। लो जी सर, कंप्लीटली लोडेड। एक ट्रॉली लोड हो गई है, अब इसकी बारी है, चलो इसको भी लोड करवाते हैं और उसको अपन खेत से बाहर डंप करके आएंगे। उसको देखो, कोई काम की चीज़ नहीं है, फालतू की चीज़ है। बाहर एक थोड़ा सा एरिया है अपने पास खाली वाला, तो उधर इसको डंप कर देंगे। ओए होए 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 भाई, ये रास्ता बहुत बेकार है, इसमें अपन ये कुछ प्लांट डाल रहे हैं, नहीं आ रहा। मक्का निकले ना निकले, मरे रोड जरूर सुधर जाएगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट आ गया, कितनी बोरी है जो 50। What's up? I'm just heading towards the farm और इसके अंदर है सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि अपन डलवाने वाले हैं अपने खेत में, जिससे अपन ने सोयाबीन की कटाई करी थी उसको अपन ने 2 बार कल्टीवेट कर लिया है और अब उसमें अपन डालेंगे सिंगल सुपर फॉस्फेट, जैसा कि मैंने आपको बताया था।
प्लान के अनुसार, फिर अपन उसमें चलाएंगे रोटर वेटर और फिर 10 दिन बाद उसमें कर देंगे बोनी। और ये वो खेत है जिसमें अपने लिए डालना है सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो अपन डालेंगे अपनी ट्रॉली के अंदर है 50 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो 36 बोरी लगेंगी इस खेत में। और फिर बाकी अपन दूसरे खेत में डाल सकते हैं, अपने नॉर्थ फार्म में डाल सकते हैं। पहले अपन 36 बोरियां यहाँ डालते हैं। तो डैडी बोल रहे थे कि लेवर्स के थ्रू डलवाना है, यानी कि तसलों में भरवा के लेवर्स डालते जाएंगे। तो अपन वैसे डलवा के देखेंगे, अगर ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट होगा, तो फिर अपन एक काम करेंगे जैसे अपन ने सोयाबीन के टाइम पर डाला था कि यहीं पे बोरियां खुलवा लेंगे और चारों तरफ एक एक आदमी बिठा देंगे, चार आदमी ट्राली के घेर घेर बिठा देंगे और उनसे बोलेंगे कि भाई फेंको और मैं ट्रैक्टर को बढ़ाते जाऊँगा। तो ऐसे भी अपन डाल सकते हैं, पर खेत अभी गीला है, ट्रैक्टर चलाएंगे तो खेत की ऐसी तैसी हो जाएगी। ए भाई असली एमपी की ज़मीन है, ऐसी होती है भाई, देख लो पाउडर नहीं बनता भाई यहाँ पर। पाउडर बनाना बहुत हार्ड थिंग है, पंजाब में एक दो बारी रोटर वेटर चला दो तो पाउडर बन जाता है, पर यहाँ की मिट्टी ऐसी है। ये देखो जी, ये अगर किसी के सिर में मार दो तो भाई वो सीधा भगवान के पास जाएगा। ये देखो फूटा नहीं, टायर हिल गया, एक बार मारते हैं जोर से थोड़ा। जो जो डिमला है ये के बीच में, जो जो ये कितने ये थे ले आ बोरी ये कितने पूरा कैसे की बोरी नहीं रख दो कितने दादा लो जी सर, खेत कर दा पाउडर पाउडर, इसके बाद चलाना है रोटर वेटर। तो जय भवानी। और अब अपन जा रहे हैं रोटावेटर लेने के लिए, क्योंकि ये सिंगल सुपर फॉस्फेट डल गया तो पीछे से रोटावेटर चलाना पड़ेगा। चलो मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ। आज से कुछ दिन पहले गिरा था पानी, और वो पानी नहीं अमृत था, वो पानी अमृत इसलिए था क्योंकि ये देखो जो भी सोयाबीन अपने खेत में डला था उसमें से ज़्यादातर सोयाबीन जर्मिनेट हो गया है, और अब अपन इसमें रोटावेटर चला देंगे तो कचड़ा पैदा नहीं होगा। ये जो ऊपर डले रह गए हैं ये तो खराब हो ही गए हैं, देखो ये इनसे कुछ नहीं निकलना, पर जो मिट्टी के नीचे चले गए थे वो जर्मिनेट हो गए हैं। और बस अब अपन रोटर वोटर चला देंगे तो जब अपन यहाँ पे गेहूँ लगाएंगे तो उसमें कचड़ा नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे खाद तो डल ही रहा है और मैं जा रहा हूँ घर पे अपने न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर को लेके, उसमें अपन फंसा के लाएंगे रोटर वेटर और सोनाली का भी साथ में लेके आएंगे। तो सोनाली का हमें अटैच कर देंगे ट्रॉली, तो ट्रॉली को आगे पीछे करना पड़ेगा तो सोनाली का करता रहेगा। आओ अब भैया ट्रॉली खुलवा दे और रोटावेटर लेके आते हैं, क्योंकि अपने जो सिंगल सुपर फॉस्फेट डाला है ये अच्छे तरीके से ज़मीन में मिक्स भी हो जाएगा और हवाएं चल रही हैं तो ये उड़ रहा है, तो वी डोंट नीड कि अपना कुछ भी चीज़ वेस्ट हो, रोटावेटर चला देंगे तो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਹੀ ਖੋਲ ਲੈ ਕਿ ਉਹ ਤਨਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਦਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਗਾ। तो अपन सोनाली का फंसा लेते हैं थ्रेसर और न्यू हॉलैंड फंसा लेते हैं रोटर वेटर, क्योंकि अपने लिए करनी है शाम को सोयाबीन की थ्रेसिंग, तो थ्रेसर भी लेके चलते हैं और रोटर वेटर तो अभी चलाना ही है। उठा ले फूल, अबे तो उठा ले फूल, चला तो मैंने उठा जो फूल ऑल सेट, तो हॉलैंड में कर दिया है अपन ने रोटावेटर अटैच और इससे ले जा रहे हैं अपन थ्रेसर। चलो चलते हैं खेत। हाँ हाँ चलो अपन चलाते हैं रोटावेटर। तेनू वेख के ता लगदा
पहले तो क्लच खींचनी पड़ेगी, फिर गियर लगेगा, फिर क्लच को छोड़ना पड़ेगा। तो अपन लगभग इसको 1650 RPM पे चला रहे हैं और गहराई वगैरह देख सकते हो आपको ली है, और अब मैं इसकी क्लच छोड़ रहा हूँ। अपन ने क्लच छोड़ी, मतलब लगभग 100 से 150 RPM ड्रॉप कर रहा है अपना ट्रैक्टर, और गहराई फुल है और MP की जमीन है। रोडर बेटा चलाओ, एक लाख लाख कर ले भी करेंगे, इतने चकोजे इतने पड़ा था। कभी भी अगर आप रोटर बेटा चला रहे हो तो सेंसिंग लॉक कर लो, अदरवाइज आपके ट्रैक्टर की सेंसिंग खराब हो जाएगी। काफ़ी सारे लोग अपने ट्रैक्टर की सेंसिंग खराब कर लेते हैं ऐसे ही ऐसे में। ये देखो इसकी सेंसिंग प्लेट चटक गई है, यहाँ पे देखो टूटी हुई है। तो एक ड्राइवर ने चला दिया था बिना सेंसिंग लॉक की, और मैं खुद चला रहा था वो तो मैंने देख लिया तो मुझे याद आ गई। हाथ से बस थोड़ा ही एक्सीलेटर ले जी में मुर्क मुर्के में बंद भरने, और बाकी सब पाँव से। एक्सीलेटर ले ली एक्सीलेटर, और मुझे शायद केसली जाना पड़ सकता है क्योंकि मुझे कुछ पेमेंट यहाँ के वहाँ करनी है, तो इसलिए मुझे जाना पड़ सकता है केसली। तो बैंक में बस थोड़ा सा काम है, कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उसके लिए जाना पड़ सकता है। तो देखो फिलहाल तो मैं काम करा रहा हूँ, अगर डैडी का कॉल आएगा कि हाँ करा दो तो मैं जाऊँगा, क्योंकि डैडी गए हैं सीड ड्रिल लेने के लिए, तो आज शायद अपनी रात तक सीड ड्रिल आ जाएगी। और जो रीपर है वो अपन ने वापस कर दिया है, रीपर कटर वो अच्छा नहीं था, अच्छे से काम नहीं कर रहा था। इतनी इतनी भर डाल लीजिए जीरा डाल लियो आगे वाली छल्ली की, हवा की चार भी लग जाए तो लगा दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। नहीं लग चलो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना उड़ के आ रहा हो यार। पूरे खेत में ऐसा स्पीड चल गया है, अब बस अपने लिए चलाना है रोटर बैटर। तो कुछ हद तक चल गया है, लगभग 20% चल गया होगा, 70% और रह गया है। देखो जितना हो पाएगा उतना करेंगे, पूरा तो आज नहीं होने वाला क्योंकि मेरे पास ईयरफोन भी नहीं है, मेरा फ़ोन डिस्चार्ज है तो कैसे हो पाएगा।